नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग तीन में चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के बाद अब कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। वर्ग तीन में चॉइस फिलिंग के बाद अब क्या करना है, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके स्कूल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे या स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। आपके स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट में आपके नाम के सामने स्कूल का नाम दिया जाएगा। आपको इसके बाद नियुक्ति आदेश जिला से प्राप्त होंगे। आप जिला जाएंगे और वहां से आप नियुक्ति आदेश प्राप्त करेंगे। 2011 में जो भर्ती हुई थी उसमें नियुक्ति आदेश ब्लॉक से बांटे गए थे, लेकिन वर्तमान में इसमें आपके जिला से बांटे जाएंगे। और जैसी कोई अपडेट आती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि जिला से बढ़ते हैं तो उसकी जानकारी हम आपको, या ब्लॉक से बढ़ते हैं तो स्पष्ट कर देंगे। किंतु इस बार जो भर्ती हो रही वह जिला स्तर की हो रही, इसलिए नियुक्ति आदेश जिला से जारी किए जाएंगे। जैसे आपको जिला से नियुक्ति आदेश प्राप्त होता है तो आपको नियुक्ति आदेश जाकर अपने आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग संकुल में करवानी है। संकुल में करवाने के बाद आपके जिस विद्यालय में आप पदस्थ हैं उस विद्यालय में जाकर आपको अपनी ज्वाइनिंग लेनी है। और ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा अपनी व्यवस्थाएं स्कूल में करने के लिए। तो ज्वाइनिंग लेने के बाद एक या दो दिन तक आप स्कूल जा सकते हैं। इसके बाद अपनी सामग्री लेने के लिए आपको विभाग द्वारा समय दिया जाएगा, तो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ लास्ट चरण है जो स्कूल चॉइस फिलिंग के बाद प्रारंभ होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।